वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रैशनल डिसीजन मेकिंग थियोरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि दी गई है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन एक इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप गौर करें तो आज मैं SOL के PDF से नहीं पढ़ा रहा। इससे पहले भी मैंने एक अपने ही खुद के एडिटेड PDF से ही पढ़ाया था, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आज अगर आप बिल्कुल न्यू आए हैं देन आप गौर कीजिएगा, ये PDF मेरे द्वारा ही एडिट किया गया है। अब ये PDF एडिट करने के पीछे का रेफरेंस क्या है, देखिएगा दो बुक्स मोर है जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी SOL की बुक एंड गूगल। इन चार चीज़ों से मैंने सहायता ली है इस PDF को एडिट करने के लिए और इजी से इजी लैंग्वेज के जो वर्ड है वो यूज़ करने की कोशिश की है। अब SOL का जब आप PDF या बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं समझ नहीं पाते, तो उन्हीं वर्ड्स को बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस PDF में। अब ये PDF जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के लिए तो फ्री है और अगर आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, वो फ्री है। लेकिन अगर आपको ये PDF ख़रीदना है तो आपको 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब 20 रुपीज़ कहाँ पे करने हैं, आपके पास इसके लिए दो रास्ते हैं। एक है WhatsApp नंबर जो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक है मेरी ईमेल ID, दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप WhatsApp पर हाई लिखिएगा, वहाँ पर आपको पूरी ही डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से आप ये PDF कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस वीडियो को बनाने के पीछे या इस थियरी को पढ़ने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हमने SOL या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से रखा है। डिसीजन मेकिंग थियरी क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है एंड मॉडल्स क्या है। हर्बर्ट साइमन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था बाउंडेड रैशनैलिटी का, वो कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या उसके बारे में जानेंगे। देन इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें तो देखिएगा इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही, मतलब कि कहते हैं ना कि जीरो से हीरो की ओर आपको ले जाऊंगा। आप अभी जीरो हो, आपको हीरो बनाने तक ये वीडियो रहेगी। लास्ट तक अगर आप रुकते हैं तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, मतलब कि जीरो से हीरो की तरफ आपको ले जाना मेरा मकसद है। तो देखिएगा हम बिल्कुल ही कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे डिसीजन क्या है। डिसीजन जो वर्ड है, डिसीजन वर्ड का क्या मतलब है, ये कहाँ से डिराइव किया गया। फिर समझेंगे डिसीजन के साथ जब मेकिंग वर्ड आ जाता है तो डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है। हर्बर्ट साइमन ने क्यों डिसीजन मेकिंग को रैशनल डिसीजन मेकिंग थियरी के रूप में प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या थी, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये थे हर्बर्ट साइमन, देखिएगा ये थे हर्बर्ट साइमन, एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं साथ ही साथ नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। अब डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशंस को जानते हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज टू बी डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, हाउ इट टू बी डन, हु ऑल विल बी इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट आर द रिसोर्सेज। सो अब देखिएगा एक आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वही होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सॉल्व करने के पीछे का क्या कारण है, उद्देश्य, व्हाट इज़ टू बी डन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कौन करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे के हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं। अब देखिएगा रैशनल डिसीजन मेकिंग थियरी अब आपको पढ़नी है तो ये एक आपके सामने एक प्रॉब्लम है, समस्या है। अब आप इन्हीं क्वेश्चंस को तो देखेंगे कि आखिरकार ये क्या है, कौन करेगा, कौन से रिसोर्सेज है एट्सेट्रा, यही तो डिसीजन मेकिंग है। बाई कंसिडरिंग ऑल द क्वेश्चंस अल्टरनेटिव्स पॉसिबिलिटीज आर चॉक्ड आउट एंड देन द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड विच इज कॉल्ड एज डिसीजन एंड द होल प्रोसेस थ्रू विच द फाइनल डिसीजन इज टेकन इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। अब देखिएगा जो आप इन सभी बातों को कंसीडर करते हैं कि हु विल टेक डिसीजन, व्हाट आर द रिसोर्सेज, हु इट हाउ इट
इज टू बी डन एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी एक अल्टरनेटिव, एक किसी निष्कर्ष पर आते हैं, वो कहलाता है डिसीजन। और ये जो प्रोसेस होता है इस डिसीजन या लास्ट अल्टरनेटिव तक आने का, उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब जो वर्ड है डिसीजन, वो डिराइव्ड किया गया है लैटिन भाषा के एक शब्द डिसाइडो से, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट, अ फिक्स्ड इंटेंशन ब्रिंग टू कॉन्क्लूसिव रिजल्ट। एंड डिसीजन मेकिंग मीन्स अराइविंग एट अ कॉन्क्लूजन एज अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि मतलब कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आने को ही डिसीजन मेकिंग कहते हैं या डिसीजन कहते हैं। अब स्कॉलर्स क्या कहते हैं इसके लिए, सो अकॉर्डिंग टू नुज और एंड ओडेनल, डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक एक्चुअल सिलेक्शन है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देन मेलविन टी कॉपलैंड जो है वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसेंशली इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन एंड फॉर एसरटेनिंग डेट द डिसीजन मेड आर कैरिड आउट। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इसेंशियल और प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर, डिसीजन मेकिंग में। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, वट एवर अ मैनेजर डज, ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग, कि कोई भी एक मैनेजर कुछ भी करता है, वो करता है एक प्रोसेस के जरिए, वो है कौन सा प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग थियरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग थियरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ चॉइसेस आर मेड विद इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिएगा, डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग थियरी जो है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंटल डिसीजंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो किस तरीके से लिए जाते हैं, उस पर फोकस करती है ये थियरी। वन प्रोमिनेंट अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इज द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। सो एक प्रोमिनेंट अप्रोच जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, विच वॉज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बाय हर्बर्ट साइमन, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट किया गया था किसके द्वारा, हर्बर्ट साइमन के द्वारा। अब हर्बर्ट साइमन कौन थे, एक नोबल विजेता थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, डेवलप्ड अ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इन्होंने, हर्बर्ट साइमन ने जो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल प्रस्तुत किया, इसमें इन्होंने कहा कि जो डिसीजन लिए जाने चाहिए वो किस आधार पर लिए जाने चाहिए, वो डिसीजन लिए जाने चाहिए फैक्ट के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, डेटा के आधार पर। अकॉर्डिंग टू साइमन, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट एम्स टू मैक्सिमाइज आउटकम्स बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट रैशनल चॉइस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। मतलब कि ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पर रिसर्च करते हैं और जो एकदम फिट बैठता है और जो मैक्सिमाइज आउटकम्स दे, जो अच्छा से अच्छा जो परिणाम दे, उसे सिलेक्ट करते हैं, उस डिसीजन को सिलेक्ट करने की और आगे बढ़ते हैं। अब उस डिसीजन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है डेटा को, एनालिसिस को फॉलो कर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल फॉलोज सेवरल की स्टेप्स। अब यहाँ पर जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, पहले तो वो जानता है प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझो। मतलब कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे देखकर डर जाते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, अब ये कैसे सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम तो बहुत डिफ़िकल्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि पहले प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, देन गोल सेट करो कि भाई इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि भाई हम इस तरीके से, इसके लिए हम रिसर्च करेंगे, इन डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन हम इसे सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, अलग अलग अल्टरनेटिव्स, जैसे कि अब आपने गोल्स सेट किए कि भाई अब हम यहाँ से रिसर्च करेंगे, देन अब यहाँ पर आपके पास 5-6 अल्टरनेटिव आ गए, पहला अल्टरनेटिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 अल्टरनेटिव्स आ गए, 5 तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब इवेल्यूएट कीजिए अल्टरनेटिव्स को कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा, कि किस अल्टरनेटिव से, किस उपाय से बहुत अच्छे से जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है और उसके परिणाम सबसे अच्छे आएंगे।
अब पांच अल्टरनेटिव्स है, पांचों को इवेल्युएट कीजिएगा, पांच में से कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, देन सिलेक्ट कीजिएगा किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव हो, उस अल्टरनेटिव को सूट की मतलब सिलेक्ट कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि भाई अब अल्टरनेटिव चूज़ करके ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रॉब्लम चलने दो, अल्टरनेटिव सिलेक्टेड है, करेंगे इम्प्लीमेंट 10-15 दिन, साल 2 साल बाद, इम्प्लीमेंट तुरंत कीजिए। फिर उसका जो आएगा फीडबैक, फीडबैक यानी कि आउटकम, जो परिणाम आएगा उसका फीडबैक लीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, उसके बाद आपके पास आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल साइमन्स रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स डेट मे डेविएट फ्रॉम स्ट्रिक्ट रैशनैलिटी। अब मान लिया कि साइमन जो है, हर्बर्ट साइमन, वो कहते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो उनके द्वारा दिया गया है वो डेटा एनालाइज और फैक्ट और फिगर पर रिलाई करता है कि फैक्ट और फिगर लाओ और डिसीजन को अच्छे से सॉल्व करवाओ, उनका मानना ये है। लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसके पीछे डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेने के पीछे इंटरनल, आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी चीज़ का हमारे पास सफिशियंट या कहे कुछ भी डेटा नहीं होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिसीजन को लेने में डिफ़िकल्टी आती है। ये जब क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया था रैशनल डिसीजन मेकिंग थियरी को, तो उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को नोट आउट किया था, तो वो हम आगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें जब किसी डिसीजन को लेना होता है तो हमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेटिक डायनेमिक्स को देखना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग इन द पब्लिक सेक्टर, की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन तक ही नहीं रहना। अब हर्बर्ट साइमन का क्या कहना है कि अगर हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे हमें सिर्फ फैक्ट और फिगर के आधार पर ही लेना चाहिए, हालांकि उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे कहा गया है बाउंडेड रैशनैलिटी का। सो बहुत सारे स्कॉलर्स ने हर्बर्ट साइमन के साथ चर्चा की, आर्ग्यूमेंट की कि भाई पूरा ही हम रैशनली डिपेंड नहीं रह सकते किसी डिसीजन के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, साइमन ने हिमसेल्फ एक्नॉलेज, स्वीकार किया कि हाँ कहीं कहीं पर देखा जा सकता है कि हमारे पास अभाव हो, कमी हो किसकी, फैक्ट की, फिगर की, डेटा की। तो इसीलिए उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, विच सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस दैट आर रैशनल विद इन द लिमिटेशंस ऑफ देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फिर जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बाउंडेड रैशनैलिटी का, और उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं अपने मानसिक जो उनके पास ज्ञान होता है उसके हिसाब से, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी की सहायता से लास्ट में जाके वो डिसीजन लेते हैं, जिसमें थोड़े बहुत फैक्ट भी आते हैं और उनकी स्वयं की समझ भी आती है। अब बात करते हैं टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो पहला टाइप है रैशनल डिसीजन मेकिंग, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अब ये अप्रोच किस पर फोकस करती है, हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी, ये फोकस करती है लॉजिकल एनालिसिस पर, इवेल्युएशन, अलग अलग अल्टरनेटिव्स पर और फैक्ट एंड फिगर पर। रैशनल डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है या फिर टाइप है डिसीजन मेकिंग की, वो फोकस किस पर करता है, कहीं ना कहीं फैक्ट एंड फिगर, गोल सेटिंग, जनरेटिंग अल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग देम, सिलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन एट्सेट्रा, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा। अब इंट्यूएटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में जो इवेंट्स हुए उससे जरूर प्रभावित होती है। दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलाइज ऑन इंट्यूशंस, गट फीलिंग्स और इम्प्लिसिट नॉलेज। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टाइज एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, की एक्सपर्ट हमेशा अच्छे डिसीजन दे सकते हैं एट्सेट्रा पर ये बिलीव करती है। देन इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन टाइम इज लिमिटेड और व्हेन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस सिचुएशन। अब जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसे कब यूज़ किया जाता है, जब बहुत ही कम टाइम है और कम से कम समय में अच्छा डिसीजन लेना है, तो इस टाइप को यूज़ किया जाता है। नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो फॉलो करती है, मतलब कि पुरानी मान्यताएं, ट्रेडिशन, मोरल वैल्यू,
एथिकल कंसीडरेशन एट्सेट्रा को ध्यान में रखते हुए किसी डिसीजन को लेती है कि भाई सोसाइटी में क्या होगा अगर इस तरीके का डिसीजन लिया गया, और सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि जो संस्कृति है, संस्कार है, उनको ध्यान में रखकर किसी भी तरीके का निर्णय लेते हैं। देन बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग एज इट अकर्स इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉग्निटिव बायसेस एंड देन ह्यूरिस्टिक्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग क्या है, जो पास्ट में डिसीजन लिए गए हैं उन पर ध्यान रखते हैं, फिर उसके ऊपर उस डिसीजन के बाद क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, कंट्री पर, उनको ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसके ऊपर पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम, फिर गोल को सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्टिव्स के साथ, देन इंफॉर्मेशन जितनी गैदर कर सकते हैं उतनी कीजिए, फिर इन इंफॉर्मेशन के जरिए आप इवेल्युएट कीजिए अल्टरनेटिव्स को, देन कंसीडर कीजिए ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब डिसीजन मेकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज, इट रिक्वायर्स वेटिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स अगेन द कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच अदर, मतलब कि नुकसान क्या होगा उस डिसीजन से और फ़ायदा क्या होगा, इन दोनों को भी इवेल्युएट करना है। देन मेक अ डिसीजन एंड टेक एक्शन, कि डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए। देन मॉनिटर, लास्ट में जो निर्णय या परिणाम आ रहा है उसे मॉनिटर या इवेल्युएट कीजिए। दीज प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अप्रोचिंग चॉइसेस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग। सो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं तो इन्हीं टाइप्स और प्रिंसिपल्स की सहायता से ही लिए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो। अब हर्बर्ट साइमन का जो कॉन्सेप्ट था बाउंडेड रैशनैलिटी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। हर्बर्ट साइमन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी एज अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ परफेक्ट रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अब हर्बर्ट साइमन ने एक बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रस्तुत किया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और क्रिटिसिज्म को उन्होंने एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के रूप में देखा कि क्या कमी है और उस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वे से लेते हैं कि भाई मेरे को क्रिटिसाइज़ कर लिया, बट क्रिटिसाइज़ करने के पीछे का कारण क्या है। अगर क्रिटिसाइज़ कोई व्यक्ति आपको करता है और उसमें आपको अपनी कमी का पता चलता है तो बहुत अच्छा है, आपको अपनी कमी के बारे में पता चल रहा है और उस पर आप काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइमन, ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली लिमिटेड इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड हैव बाउंडेड रैशनैलिटी, मीनिंग दे कैन नॉट प्रोसेस ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कंसिडर ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और ऑप्टिमाइज डिसीजन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। अब देखिएगा, साइमन का कहना है कि जो मानव है, मानव के पास लिमिटेड मतलब की जानकारी होती है और वो हमेशा ही रिलाई नहीं कर सकता किस पर, इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को ढूंढना ही पड़ता है, इसलिए हम अलग अलग तरीके के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा जो टाइप्स बताई गई, प्रिंसिपल्स बताए गए कि किस तरीके से एक डिसीजन को लेना चाहिए, उसमें चाहे आप फैक्ट्स, फिगर और जो डेटा है वो रखें या ना रखें। Then bounded rationality suggests that individual make decisions that are rational within the constraint of their cognitive limitations, time constraint and complexity of decision environment. अब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का decision लेता है तो bounded rationality ये बताती है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का decision लेता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई rational समझ होगी, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किसी decision को ले रहा होगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, कंस्टेंट, टाइम, सभी को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस पॉलिटिकल संस्था ने डिसीजन लिया होगा। इट एक्नॉलेज दैट डिसीजन मेकर्स ऑफन रिलाई ऑन सिंप्लीफाइड मॉडल्स, ये कहते हैं जो बाउंडेड रैशनैलिटी है वो एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो हमेशा सिंपल से मॉडल पर रिलाई करते हैं, जो ह्यूरिस्टिक्स ना हो एंड रूल्स ऑफ थंब टू नेविगेट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। हियर आर सम की आस्पेक्ट्स ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी,
लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकर्स हैव लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड कैन नॉट फुली प्रोसेस ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब लिमिटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, बाउंडेड रैशनैलिटी क्या कहती है कि लोगों के पास जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इंस्टेड दे रिलाय ऑन सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब कि सिलेक्टिव अटेंशन पर ही फोकस करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्टिव होती है उसके ऊपर ही फोकस करते हैं एंड देन वो अपना निर्णय या डिसीजन देते हैं। सेटिस्फाइसिंग रादर देन स्ट्राइविंग फॉर एन ऑप्शनल सॉल्यूशन, डिसीजन मेकर्स ऑफन सेटल फॉर सेटिस्फैक्ट्री और गुड इनफ सॉल्यूशन। मतलब कि एक अच्छे सॉल्यूशन के बजाय जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और जो थोड़ा बहुत अच्छा हो। दे एम टू फाइंड एन ऑप्शन दैट मीट्स देयर मिनिमम क्राइटेरिया और सेटिस्फाइज देयर गोल। मतलब कि जो डिसीजन मेकर होता है वो कहीं ना कहीं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया और गोल को सेट करते हैं रादर देन एग्जॉस्टेडली सर्चिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल चॉइस, और वो बेस्ट पॉसिबल चॉइस को नहीं सर्च करते। देन ह्यूरिस्टिक्स एंड रूल्स ऑफ थंब, डिसीजन मेकर्स एम्प्लॉय मेंटल शॉर्टकट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डिसीजन सिचुएशन। दीज ह्यूरिस्टिक्स प्रोवाइड एफिशियंट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज बट कैन ऑल्सो लेड टू बियासेस एंड एरर्स। कॉमन ह्यूरिस्टिक्स इंक्लूड एंकरिंग अवेलेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब डिसीजन एनवायरमेंट, बाउंडेड रैशनैलिटी रिकॉग्नाइज दैट डिसीजन मेकिंग अकर्स विद इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबल चॉइस एंड इन्फॉर्मेशन। फैक्टर्स सच एज टाइम प्रेशर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स कैन शेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड आउटकम्स। लर्निंग एंड अडेप्शन, बाउंडेड रैशनैलिटीज अलाउज फॉर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक। अब बाउंडेड रैशनैलिटी जो है वो कहती है कि भाई जो एक्सपीरियंस है और फीडबैक है उससे सीखो। डिसीजन मेकर्स कैन अराइव देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द आउटकम्स एंड एडजस्ट देयर अप्रोचेस ओवर टाइम। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अप्रोचेस का क्या मतलब होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को अप्रोचेस नहीं पता होती है तो उन्हें समझा देता हूँ। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया। आप किस नजरिए से दुनिया को, किस दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हैं उसे अप्रोचेस कहा जाता है। दिस अडेप्टिव एस्पेक्ट हेल्प इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग थ्रू कल्मिनेटिव लर्निंग एंड फीडबैक लूप्स। बाउंडेड रैशनैलिटी प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय एक्नॉलेजिंग द कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बींग एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिसीजन कॉन्टेक्स्ट। अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या कहती है कि एक मानव मस्तिष्क जो है उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और लिमिटेड समझ होती है। कॉग्निटिव जो लिमिटेशन है इसका मतलब है कि आपकी समझ कितनी है। तो ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है डिसीजन कॉन्टेक्स्ट की वो सॉल्व नहीं कर पाती है मानव। तो इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड मिटिगेटिंग बियासेस, इम्प्रूविंग द डिसीजन एनवायरमेंट एंड कंटिन्यूसली लर्निंग फ्रॉम पास्ट डिसीजन। तो बाउंडेड रैशनैलिटी जो है वो पास्ट डिसीजन से लर्निंग कर रही है, जो फैक्ट है, डेटा है, फिगर्स है, उनसे लर्निंग करके किसी एक डिसीजन को आगे बढ़ा रही है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाउंडेड रैशनैलिटी इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट एज डिसीजन मेकर्स फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद लिमिटेशन, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड टाइम। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाउंडेड रैशनैलिटी जो है वो एक रिलेवेंट डिसीजन मेकर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है कम से कम समय में और कम से कम इन्फॉर्मेशन में। एक्नॉलेजिंग बाउंडेड रैशनैलिटी कैन लीड टू मोर रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनकॉर्पोरेटिंग स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव एंड कंसिडरिंग मल्टीपल अल्टरनेटिव विद इन द कंस्टेंट ऑफ द डिसीजन एनवायरमेंट। प्लीज इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में। वाइल द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल हैज़ बीन वाइडली यूज एंड हैज़ इट्स मेरिट्स, इट इज़ नॉट विदाउट इट्स क्रिटिक्स। मतलब कि बहुत अच्छा है डिसीजन मेकिंग, ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, मॉडल है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। सम ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अजम्पशन ऑफ परफेक्ट रैशनैलिटी, मतलब कि अजम्पशन ऑफ परफेक्ट रैशनैलिटी से तात्पर्य है कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या मॉडल है ये सोचता है कि इसके पास परफेक्ट डेटा है। क्रिटिक्स आर्ग्यूड एट द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल अज्यूम्स दैट डिसीजन मेकर्स आर कंप्लीटली रैशनल एंड हैव ऑल एक्सेस टू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ अनरियलिस्टिक, जो कि
हो ही नहीं सकता, मतलब कि सारी ही इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती एक साथ। इन रियलिटी डिसीजन मेकर्स आर सब्जेक्ट टू कॉग्निटिव बायसेस, लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड टाइम कंस्ट्रेंट दैट मे हिंडर देयर एबिलिटी टू मेक प्योरली रैशनल चॉइसेस, की कहीं ना कहीं अभाव होता है इंफॉर्मेशन का। ओवर एम्फसाइज ऑन एनालाइजेस एंड लॉजिक, कि ज़्यादा ही जोर देता है रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या मॉडल जो है वो ज़्यादा जोर किस पर देता है, लॉजिकल थिंकिंग पर, रीजनिंग पर, फैक्ट पर, डेटा पर, इसलिए कि ज़्यादातर फैक्ट और डेटा तो मिल भी नहीं सकते इतनी जल्दी, कि जहाँ तक हम रिसर्च करेंगे उस डेटा को ढूंढने में या उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, तब तक प्रॉब्लम जो है वो और बड़ी होती जाएगी। तो इसके लिए इसे क्रिटिसाइज़ किया गया। इनफेसिबल और ऑफ इवेल्युएटिंग ऑल अल्टरनेटिव्स, द मॉडल एज्यूम दैट डिसीजन मेकर्स विल कंसिडर एंड इवेल्युएट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव बिफोर मेकिंग अ चॉइस, कि भाई एक व्यक्ति जिसको जल्दबाजी में डिसीजन लेना है वो किस तरीके से सभी अल्टरनेटिवस को इवेल्युएट कर पाएगा। हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन सिचुएशन इट मे बी इम्प्रैक्टिकल, कि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना होगा तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा और इम्पॉसिबल होगा। ओके, देन लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क, कि भाई रिस्क के लिए तो सोच ही नहीं रहे कि हाँ डिसीजन तो ले लिया लेकिन रिस्क का क्या हुआ। द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एज्यूम दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड सर्टेनिटी रिगार्डिंग इनहेरेंट अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एसोसिएटेड विद मैनी डिसीजन कॉन्टेक्स्ट, रियल वर्ल्ड डिसीजन ऑफन इन्वॉल्व एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेक्स मस्ट मेक चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि भाई इन्फॉर्मेशन कम है और कम से कम रिस्क हो उस तरीके से लिया जाए किसी डिसीजन को। और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका संपूर्ण कोई परफेक्ट नहीं है, तो ये बात यहाँ पर ये दोहराते हैं। निगलेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, द मॉडल ऑफन ओवरलुक द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग इन द पब्लिक सेक्टर, कि भाई कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट करता है इन्हें। डिसीजंस आर नॉट मेड इन आइसोलेशन बट विद इन कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि जो डिसीजन जो है वो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते, ये संपूर्ण ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, पावर डायनेमिक्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लिए जाते हैं। दीज फैक्टर कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, कि ये बहुत ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं डिसीजन आउटकम, जो परिणाम आते हैं डिसीजन के निर्णय के उन पर, बट आर नॉट फुली एड्रेस्ड इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, कि डिसीजन मेकिंग मॉडल में इसे नहीं बताया गया है। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द मॉडल डज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट एज्यूम्स इंडिविजुअल्स आर प्योरली रैशनल एक्टर्स, वेयर इज इन रियलिटी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इमोशंस, बायसेस एंड सोशल फैक्टर्स। सो जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थियरी है वो मानती है कि सभी व्यक्ति एकदम फैक्ट फिगर से ही डिसीजन लेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं निगलेक्ट करती है ह्यूमन इमोशंस को, जो विरोधाभास होता है उसको, सोशल फैक्टर्स को। और जो क्रिटिक्स है वो इसी कारण बताते हैं कि किसी भी ह्यूमन के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी कि वो सभी फैक्ट को ले आए, कहीं ना कहीं इमोशन, समाज और जो मतभेद होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी डिसीजन को लेने से पहले। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी, द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल टिपिकली अलाउज फॉलोज अ लाइनर एंड सिक्वेंटली प्रोसेस विच मे नॉट अलाउड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेज। इट मे नॉट अकाउंट फॉर द नीड टू रिविजिट एंड रिवाइज डिसीजन एज न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल और एज कंडीशन चेंज। मतलब कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या थियरी है, ये कहती है कि इनके द्वारा एक बार जो कमिटमेंट हो गई तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये तो नहीं चलेगा कि अगर कोई डिसीजन लिया जा चुका है और उसके अंदर अगर बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलाव होने चाहिए। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, कि चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो सलमान खान बन रहे हैं कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी और की नहीं सुनेंगे, तो सुननी तो पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना महान कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने महान लोगों द्वारा बनाया गया है, कि अगर इसमें समय के अनुसार किसी बदलाव की ज़रूरत हो तो उसमें बदलाव लाए जाने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकता है तो आप कौन हो भाई। तो इसी तरीके से ये क्रिटिक्स अपना क्रिटिसिज्म प्रस्तुत करते हैं और कई मायनों में सही भी है।
सो लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ एथिकल एंड नॉर्मेटिव आस्पेक्ट, कि भाई जो नॉर्मेटिव सामाजिक आस्पेक्ट्स है उनको फोकस नहीं करता, उन्हें निगलेक्ट करता है। एथिकल जो एथिक्स होते हैं उन्हें निगलेक्ट करता है। द मॉडल्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में साइडलाइन एथिकल कंसिडरेशन एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज। पब्लिक डिसीजन ऑफन इन्वॉल्व एथिकल डायमेंशंस, कि भाई लोगों की विचारधारा, लोगों का क्या मानना है, कौन से ट्रेडिशंस है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में ध्यान में रखना जरूरी है। वी नीड टू टेक इट इनटू अकाउंट ऑल्सो। क्रिटिक्स ऑफ द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल आर्ग्यू फॉर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस दैट कंसीडर द बाउंडेड रैशनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स, इनकॉर्पोरेट बिहेवियरल इंसाइट एंड अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग कॉन्टेस्ट। कॉन्क्लूजन, डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस, की डिसीजन मेक किसी निर्णय को लेने के लिए हमारे पास सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की है, डेटा में है या हमारी खुद की समझ है डिसीजन को लेने के लिए। दैट इन्वॉल्व्स असेसिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग चॉइसेस टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। इट इज एप्लीकेबल इन वेरियस आउट कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पर्सनल, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सो जब हम कहीं ना कहीं कोई डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उन सबको इवेल्युएट कर कर किसी डिसीजन तक पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल वाइल वैल्यूएबल हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म, कि हाँ भाई क्रिटिसिज्म को सबका होता है, क्रिटिसिज्म तो भारतीय संविधान का भी कहीं ना कहीं किया गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारतीय संविधान बिल्कुल ही बेकार है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान संविधान है। तो क्रिटिसिज्म सबका होता है और क्रिटिसिज्म से हमें सीखना चाहिए, क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को, ओके। देन तो रैशनल डिसीजन मेकिंग का भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ है, और फॉर इट्स अजम्पशन ऑफ परफेक्ट रैशनैलिटी एंड लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, हर्बर्ट साइमंस कॉन्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, ऑफर अ मोर रियलिस्टिक परस्पेक्टिव ऑन डिसीजन मेकिंग। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग इज़ अ मल्टी फेसेट प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग एक मल्टी फेसेट प्रोसेस है जिसमें हमें सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डेट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, जो एक बहुत ही केयरफुल तरीके से कंसिडरेशन रिक्वायर करता है। डाइवर्स फैक्टर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट कंस्टेंट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी वीडियोज़ से रिलेटेड, और आपके SOL या रेगुलर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की वीडियोस एंड इसी प्रकार के जो फैक्ट्स है एंड जो PDFs है वो आप कलेक्ट कर सके। और अगर आपको ये PDF ख़रीदना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया गया है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।